आज हमारा टॉपिक है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स वो होते हैं जो कोलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स को या एसिटाइल कोलिन या एसिटाइल कोलिन एगोनिस जो होते हैं उनके इफ़ेक्ट को कम करने में मदद करते हैं। बेसिकली हम ये जानते हैं कि एसिटाइल कोलिन के दो रिसेप्टर्स होते हैं, एक मस्करेनिक रिसेप्टर है और एक निकोटिनिक रिसेप्टर है। यहाँ पे जब हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली दिस इज़ एंटी मस्करेनिक ड्रग्स, क्योंकि एंटी निकोटिनिक ड्रग्स जो हैं दे आर नॉट बीइंग क्लासिफाइड इनसाइड दी एंटी कोलिनर्जिक। तो मतलब एंटी कोलिनर्जिक में जो भी हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली वो ड्रग्स हैं जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स को बाइंड करेंगे और एसिटाइल कोलिन को बाइंड करने नहीं देंगे और एसिटाइल कोलिन के फंक्शन को नहीं होने देंगे। अगर हम निकोटिनिक रिसेप्टर के बारे में बात करें तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स में दो तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है NN और एक होता है NM। NN जो गैंग्लियास के ऊपर वर्क करता है, ऑटोनॉमिक गैंग्लियास के ऊपर, तो उनको जो ब्लॉक करने वाले ड्रग्स होंगे जो बेसिकली एंटीकोलिनर्जिक्स में मतलब एंटीकोलिनर्जिक फंक्शन करते हैं लेकिन हम उन्हें गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स कहेंगे। और जो NM है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन NMG पे जो वर्क करते हैं उनको ब्लॉक करने के लिए जो ड्रग्स हैं जिनका इफेक्ट एंटीकोलिनर्जिक होगा लेकिन उनका नाम हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स। ओके, सो रिसेप्टर्स नहीं है, दिस इज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स। ओके, सो दिस इज व्हाट इज निकोटिनिक रिसेप्टर्स। तो इसको हम जानते हैं हम ऑलरेडी कि जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो बेसिकली जो मसल्स पे वर्क करते हैं तो स्केलेटल मसल पे वर्क करते हैं, और मस्करेनिक जो होते हैं वो स्मूथ मसल्स पे वर्क करते हैं। तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स में हम NMG के बारे में, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स में। सो यहाँ पे हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली मस्करेनिक रिसेप्टर्स के लिए जो ड्रग्स एक्ट करते हैं ताकि एसिटाइल कोलिन वर्क ना करें उनके बारे में बात करें। ओके, तो इसी वजह से वी कैन कॉल दिस एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स एज एंटी मस्करेनिक या फिर मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, या फिर जैसे हम कोलिनर्जिक ड्रग्स को पैरासिम्पेथोमिमेटिक्स कह सकते हैं उसी तरीके से हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को पैरासिम्पेथोलाइटिक्स भी कह सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको इनके जो अदर नेम्स हैं वो समझ में आए होंगे। सो नाउ वील डील विद द ड्रग्स। सो जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3, नेचुरल डेरिवेटिव्स, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स एंड सिंथेटिक डेरिवेटिव्स। ओके, सो नेचुरल डेरिवेटिव्स में जो प्रोमिनेंट ड्रग आता है दैट इज़ एट्रोपिन, और साथ ही साथ उसके आता है स्कोपोलामाइन। ये दोनों ही ड्रग्स जो हैं ये बेलेडोना एल्कलॉइड्स हैं जो नेचुरली अक्रिंग है प्लांट से। सो स्कोपोलामाइन को हम हायोसिन भी कहते हैं। सो हम यहाँ पे सारे ही इसके एक्शंस, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एट्रोपिन, और स्कोपोलामाइन भी जो है वो एट्रोपिन की तरह ही काम करते हैं। हम बाकी जो ड्रग्स भी पढ़ेंगे सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, इन सबके ही एक्शंस एट्रोपिन जैसे ही होंगे क्योंकि एट्रोपिन ही एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के प्रोटोटाइप ड्रग हैं। ओके, सो एट्रोपिन या स्कोपोलामाइन के एक्शंस किस तरीके से हैं हम एक एक एक्शन को देख लेते हैं। अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में देखें तो ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करने में मदद करेंगे, और लार्जर डोज देने पर ये वैसोडायलेशन और साथ ही साथ हाइपोटेंशन कॉज करते हैं। और आपको याद होगा कि कोलिनर्जिक ड्रग्स इसका ऑपोजिट करते हैं, लार्जर डोसेस में वो हाइपोटेंशन कॉज करते हैं और साथ ही साथ नॉर्मली वो कोलिनर्जिक ड्रग्स की वजह से जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, सो दिस इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट हैपेंस इन द इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन। सेकेंड, अगर हम सिक्रीशंस की बात करें तो कोलिनर्जिक ड्रग्स में सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में उसका ऑपोजिट है कि सारे ही सिक्रीशंस डिक्रीज हो जाएंगे एक्सेप्ट मिल्क। तो अगर मिल्क या ब्रेस्ट फीड करते हुए मदर हैं तो उनके सिक्रीशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा जितनी भी सिक्रीशंस हैं, चाहे वो लैक्रिमेशन के लिए हो, सलाइवरी के लिए हो, निजोफेरेंजियल हो, ब्रोंकियल हो, या ब्रोंकियल या ट्रैकियोब्रोंकियल या फिर गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ये सारे ही सिक्रीशन जो हैं वो कम हो जाएंगे। ओके, इसी सीरियस और सिक्रेटरी फंक्शन की वजह से इसको हम प्री एनेस्थेटिक ड्रग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो OT के टाइम पे ऑपरेट
फास्टिंग टाइम पे जो हम ड्रग्स एडमिनिस्टर करेंगे या जो स्टेट ऑफ बॉडी होगा उस पर्सन का, उनमें किसी भी तरीके का ब्रैडीकार्डिया ना हो जाए, इसके लिए ये ड्रग हेल्प करेगा क्योंकि ये टैकीकार्डिया कॉज करने में मदद करेगा। साथ ही साथ किसी भी तरीके सिक्रीशंस ना आए जिसकी वजह से किसी भी तरीके का देर इज़ नो सच ब्लॉकेज इन बिटवीन, तो उस चीज़ों के लिए ये जो भी सलाइवा है या जितनी भी सिक्रीशंस हैं इनको कम करने में मदद करेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम अगर बात करें स्मूथ मसल्स की, तो ऑटोमेटिकली हम अभी बोल चुके हैं कि मस्करेनिक है, तो मस्करेनिक में हम स्मूथ मसल की बात करेंगे। तो स्मूथ मसल में ये रिलैक्स करने में मदद करता है मसल को। तो अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में देखें तो टोनिसिटी और साथ ही साथ जो जीआईटी का मूवमेंट है, मोटिलिटी जिसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, उसको कम करने में मदद करता है। बिलियरी ट्रैक में ये बिलियरी स्पैज़म को कम करने में मदद करेगा। ब्रोंकाई में ये ब्रोंको डायलिटेशन कॉज करेगा विच इज़ जस्ट ऑपोजिट टू द कॉलिनर्जिक इफेक्ट। यूरिनरी ब्लैडर में वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते थे और यहाँ पे ये रिलैक्सेशन कॉज करेंगे और इसी वजह से यूरिनरी रिटेंशन होने के चांसेस हैं। ओके, सो इस वजह से, इस एक्टिविटी की वजह से इन ड्रग्स को हम एंटी स्पैस्मोडिक ड्रग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम आइज़ में देखें तो आइज़ में यहाँ पे ये प्यूपुलरी डायलिटेशन कॉज करेंगे। ओके, दैट इज़ मिड्रियासिस, तो इसको एक मिडियाट्रिक ड्रग की तरह यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ CNS में हम देखते हैं, CNS में एट्रोपिन और स्कोपोलामाइन के दो डिफरेंट एक्शंस हैं। सॉरी, एट्रोपिन जो है वो CNS स्टिमुलेंट की तरह वर्क करेंगे और जो स्कोपोलामाइन है ये CNS डिप्रेसेंट की तरह वर्क करेंगे। और स्कोपोलामाइन की इस CNS डिप्रेसेंट फंक्शन की वजह से स्कोपोलामाइन को मोशन सिकनेस वाले लोगों में दिया जा सकता है। जब भी वो ट्रैवल करें तो उनमें एक सेडेस्ट्री इफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, अगर हम बात करें कि किसी पॉइजनिंग के इंस्टेंस में, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग है जो रिवर्स इर्रिवर्सिबल कॉलिनर्जिक ड्रग्स थे, तो उनकी पॉइजनिंग में इसको एट्रोपिन को एज एन एंटीडॉट भी यूज़ किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर बात करें तो एट्रोपिन या स्कोपोलामाइन जो है वो वेल एब्जॉर्ब है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस करते हैं और ये बहुत अच्छे से लिवर से मेटाबोलाइज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट्स में हम देखते हैं कि नॉर्मली जो हमने अभी इसके फंक्शंस पढ़े उस हिसाब के ही एडवर्स इफेक्ट्स भी हमें समझ में आएंगे, क्योंकि ये डायलिटेशन कॉज करते हैं आइज़ में, इस वजह से ब्लरिंग ऑफ विजन होने के चांसेस हैं, क्योंकि सिक्रीशंस कम कर देते हैं तो सलाइवरी सिक्रीशन कम होने की वजह से ड्राई माउथ होने के चांसेस हैं, जो इसी वजह से और गैस्ट्रिक सिक्रीशन के भी कम होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हैं, डिसफेजिया होने के चांसेस हैं सलाइवा के कम होने की वजह से। स्किन में अगर हम देखें तो स्वेट ग्लैंड्स के अंडर सिक्रीशंस की वजह से ड्राई स्किन होने के और उसी वजह से स्किन रैशेस होने के चांसेस हैं। ओके, इसके जो जो हायर इफेक्ट्स हम देखते हैं, कुछ क्रॉनिक इफेक्ट्स हम देखते हैं, वो ये है कि कन्वर्शंस, कोमा या हैलुसिनेशंस होने के चांसेस हैं। और अगर इस ड्रग की पॉइजनिंग है तो उस चीज़ को एंटीडॉट करने के लिए या काउंटरैक्ट करने के लिए हम फाइजोस्टिगमिन जो है वो हम आईवी कॉन्सेंट्रेशन में दे सकते हैं। तो नॉर्मली जिस तरीके से हम देखते हैं कि रिवर्सिबल या इर्रिवर्सिबल जो कॉलोनर्जिक ड्रग्स होते हैं उनके एंटीडॉट के तौर पर एट्रोपिन यूज़ किया जाता है, और वाइस वर्सा एट्रोपिन के एंटीडॉट के तौर पर हम फिजोस्टिगमिन को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये जो एट्रोपिन है दिस इज़ वेरी यूज़फुल, इसके बहुत वाइड यूजेस हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है कि एट्रोपिन जो है ये प्रोटोटाइप होने के बावजूद और इतने रेडली अवेलेबल होने के बावजूद ये सेलेक्टिव नहीं है, दिस इज़ नॉन सेलेक्टिव, दे शो नॉन सेलेक्टिव एक्टिविटी। तो जितने भी मस्करेनिक रिसेप्टर्स होंगे M1, M2, M3, M4, M5 इन सब पे एक जैसा इफेक्ट दिखाएगा। हो सकता है कि हमें कोई एक जो सब टाइप है रिसेप्टर उस पे इफेक्ट नहीं करना हो और दूसरे पे कराना हो, और उस कंडीशन में हम इसके डेरिवेटिव्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे होमोट्रोपिन, ये सेम एट्रोपिन की तरह काम करते हैं लेकिन बेसिकली ये मीडियाट्रिक
तौर पे काम करते हैं। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड जो है, ये दोनों ही ड्रग्स स्पेसिफिकली M3 पे एक्ट करते हैं। M3 स्मूथ मसल्स के लिए है और इसी वजह से ये ब्रोंकोस्पैज्म को कम करने में और ब्रोंकियल सिक्रीशंस को कम करने में मदद करेंगे और इसी वजह से इसको हम आस्थमा या COPD वाले पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सिंथेटिक डेरिवेटिव्स के बारे में देखें तो ट्रोपिकामाइड और साइक्लोपेंटालॉइड यूज़ किया जाता है, जिसको हम मीडिएटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। डाइसाइक्लोमिन को यूज़ किया जाता है एंटीस्पैस्मोडिक की तरह। पिरेंजेपाइन और टेलेंजेपाइन जो है, इन्हें पेप्टिक अल्सर्स में यूज़ किया जाता है और ये बेसिकली ये जो दो ड्रग्स हैं इनमें से पिरेंजेपाइन जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करते हैं, इसलिए इनकी कोई भी CNS एडवर्स इफेक्ट नहीं होते हैं। तो अगर किसी में CNS एडवर्स इफेक्ट का प्रॉब्लम हो तो उनको बिना CNS एडवर्स इफेक्ट के अगर हमें मेडिसिन देना है तो हम पिरेंजेपाइन दे सकते हैं। ये दोनों ही ड्रग्स M1 पे एक्ट करते हैं। M1 जो है वो ऑटोनॉमिक गैंग्लियास के ऊपर और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर वर्क करते हैं, इसीलिए ये पेप्टिक अल्सर में मदद करेंगे क्योंकि ये गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को रिलीज होने नहीं देते हैं। ओके, ग्लाइकोपाइरोलेट जो है वो एंटीसायलोगोग है, ये जो सलाइवरी सिक्रीशंस होते हैं उन्हें कम करने में मदद करते हैं। बेंजोट्रोपिन और बेंजाकॉल जो है वो पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट करने में मदद करते हैं। ये जो ड्रग्स हैं ये एसिटाइलकोलिन को रिलीज होने नहीं देंगे। जब एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा तो ट्रेमर्स और रिजिडिटी नहीं होगी, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पार्किंसन डिजीज़ का, तो एंटी पार्किंसोनियन ड्रग की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपके अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।